तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रिक्शन। यानी इसमें हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे, यानी हमारा फिफ्थ रियल फोर्स होगा। इसके पहले फोर हम रियल फोर्सेस के बारे में बात कर चुके हैं और एक इमेजिनरी फोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। अब ये फोर्स कब आता है ना, इसके बारे में बात करेंगे। इसके डायरेक्शन क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ दरअसल फ्रिक्शन फोर्स में जो भी यहाँ फ्रिक्शन जिस फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करने जा रहे हैं वो फ्रिक्शन होगा सॉलिड सरफेसेस के बीच में। इस पर होगा ये सॉलिड सरफेसेस के बीच में, क्योंकि अब जैसे जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप वहाँ देखोगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डिफरेंट वे में होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड सॉलिड सरफेसेस के बीच की बात कर रहे हैं। वहाँ जो हम बात करेंगे वहाँ लिक्विड और लिक्विड सरफेस के बारे में बात करेंगे, लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें सरफेसेस कैसे हैं, सॉलिड सरफेसेस हैं। ओके, तो फ्रिक्शन क्या है पहले ये भी समझ लेते हैं। इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस ऑफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सरफेसेस या सरफेसेस ऑफ सॉलिड। ओके, ड्यू टू विच देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दी सरफेसेस, बिटवीन दी सरफेसेस। ओके, तो ये यहाँ जब भी सरफेसेस, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा तो ये किस कंडीशन में उनके बीच में फोर्स आएगा। यानी ये तो हुआ कि दो सरफेसेस है उनके बीच में, मतलब वो जो सरफेस है उनके बीच में जो क्या बोलते हैं, जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक तरह से बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड बनाने की वजह से ये फोर्स क्या होता है वहाँ एक्ट करना शुरू कर देता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये फोर्स कब हम लोग इसको बात करेंगे कि अभी इस पर फोर्स लग रहा है, तो उसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ, है ना। तो लिखते हैं व्हेन सरफेसेस आर स्लाइडिंग ओवर टू ईच अदर, व्हेन सरफेसेस आर स्लाइडिंग ओवर टू ईच अदर देन देयर रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड, देन देयर रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड और व्हेन दी सरफेसेस
आर हैविंग टेंडेंसी टू स्लाइड ओवर टू ईच अदर. Then a force acts which opposes the when surfaces are sliding over to each other, then their relative motions opposed, or when the surface has having tendency to slide over to each other, then a force acts which opposes the relative rest. A force acts which opposes the relative rest. And that force will be friction force. Okay, तो वो कौन सा force होगा? Friction force. अब मैंने इसमें दो point लिखवाए हैं. Point कौन कौन से हैं? पहला point तो ये है कि सरफेसेस के बीच में क्या हो रही है? रिलेटिव मोशन हो रही है. तो रिलेटिव मोशन को फोर्स क्या करेगा? अपोज करेगा. दूसरा क्या है? दे सरफेसेस आर हैविंग टेंडेंसी टू स्लाइड ओवर टू ईच अदर, यानी स्लाइड नहीं कर रहे हैं वो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जो क्या करता है, उनके रिलेटिव रेस्ट को, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, उसको वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. तो जो जो फोर्स अपोज कर रहा है उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, है ना. तो यहाँ दो तरह के फोर्स है एक्चुअल में. तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. सर सर ऊपर ले सकते हो क्या? पॉइंट नोट करना था. क्लियर सर? लास्ट लाइन हाँ लिख लिया. हो गया सर. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. तो पहला होगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. पहले इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, इसी को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में कब आएगा ये? व्हेन सरफेसेस आर स्लाइडिंग ओवर टू
each other, then their relative motion is opposed by a friction force that is called kinetic friction force. Okay, when surfaces are sliding over to each other, then their relative motion is opposed by a friction force that is called kinetic friction force. Next, magnitude. Magnitude of kinetic friction force इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसको एफ कैसे डिनोट करेंगे, है ना? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ, म्यू के इनटू एन, जहाँ म्यू के को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके. और एन को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके. अब ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो, एक तो नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है और साथ में म्यू के का, म्यू के का मतलब यहाँ है कि जो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उनका नेचर कैसा है. यानी इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट. द kinetic friction force depends upon the kinetic friction force depends upon the normal reaction force and nature of the material of the surfaces which are in contact. Okay. तो ये इस बात पे डिपेंड करता है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया of contact between the surfaces and their velocities, okay, and their velocities. मतलब ये नहीं depend करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा जो उनके कॉन्टेक्ट में, साथ में उनकी वेलोसिटीज पे भी ये डिपेंड नहीं करता है. अब एक नोट है जो याद रखना है यहाँ, कि जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, ये हमेशा
नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो हमने बात किया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा ये होगा। भाई यहां तक क्लियर है सबको, है ना? नेक्स्ट, अब डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, चलो समझते हैं पहले डायरेक्शन। पहला एग्जांपल, मान लो कि ये ब्लॉक है, और ये रफ सरफेस है, इसका मतलब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जैसे टेबल है, टेबल पे मान लो ये इरेजर रखा हो, ऐसा समझ सकते हो। टेबल पे इरेजर रखा है और आपने पीछे से उसको मान लो पुश कर दिया, ऐसे फिंगर से उसको जर्क दे दिया। तो जैसे जर्क देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ चुकी होगी, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि कुछ टाइम तक चलने के बाद यहाँ कहीं जाके रुक जाएगा। ये रुका क्यों फिर, इसको तो चलते रहना चाहिए था, लेकिन आपको भी जानते हो कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा फोर्स है जो इसकी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। आगे बस हमें तो मान लेते हैं, जैसे कि हमने इसको मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिया है। ओके, क्या दिया है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिया है मान लो इसको, है ना? और ये यहाँ कहीं जाके रुक जाता है। तो अगर मैं यहाँ कहता हूं कि यहाँ फ्रिक्शन कोफिशियंट की जो वैल्यू है वो 0.5 है मान लो, तो जो फ्रिक्शन कोफिशियंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट इसको कह सकते हैं, या कोफिशियंट और काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो तीन तरह से फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको जो वेक्टर पढ़ाया तो बताया था कि तीन तरह से हो सकता है, जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखती है। तो मैंने कहा था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है एक तो, और साथ में एक ये वाली क्वांटिटी भी होती है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि यूनिट नहीं तो डायमेंशन नहीं, ये क्या होता है, एक रेशियो होता है केवल, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। तो ये 0.5 है। मान लेते हैं जैसे जी की वैल्यू यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। पहले इस पॉइंट पर आते हैं तो हमें देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है फ्रिक्शन की। मैंने क्या कहा, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अर्थ तो रुका हुआ यहाँ, यानी ये जो सरफेस है यहाँ, ये सरफेस क्या है, रेस्ट पर है। अगर इस सरफेस रेस्ट पर है तो इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी किधर है, किधर है, राइट साइड में है, किधर है, राइट साइड में। इसका एबीडी बनाओ, एबीडी अगर आप बनाओगे, आप यहां देखो इसकी वेलोसिटी इधर क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है, ये ग्राउंड है, आप यहां देखो। तो अभी आप देखो ये तो ग्राउंड वाला पॉइंट तो रेस्ट पर ही है, क्योंकि तो वो करेगा नहीं,
लेकिन इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, आगे की तरफ है, कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है ना। तो आप देखो ग्राउंड के पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मान लो ये पॉइंट ए और ये ए डैश है, तो आप देख रहे हो कि वी ए ए डैश क्या है, यानी वी ए माइनस वी ए डैश, तो वी ए माइनस ये तो जीरो ही है, तो वी ए डैश कितना आ गया, वी ए कितना यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है। तो मैंने क्या कहा, रिलेटिव मोशन इसका देखो किधर है, रिलेटिव मोशन पॉजिटिव आ रहा है। अगर वेक्टर में बात करो आप, चलो यहाँ ये क्या लिखोगे, वी वेक्टर मतलब ये हो जाएगा आई कैप, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो जाएगा 5 i कैप मीटर पर सेकंड, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब रिलेटिव मोशन किधर है, इसकी राइट साइड में है। मैंने क्या लिखवाया है, When surfaces are sliding over to each other, then their relative motion, is opposed by a friction, force. That is called kinetic friction force. So relative motion आगे की तरफ है, इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हुई, अपोजिट हुई ना। इसका मतलब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। अब होता है क्या, अगर इसको पीछे लग रहा है तो अर्थ को किधर लग रहा है, अर्थ सरफेस को, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखो नॉर्मल इसको किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा। मैंने क्या लिखवाया, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में डायरेक्शन एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो यहाँ बता दिया मैंने। और ये किसको, फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किसको अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को। ओके तो अगर इस केस में बात करो इसकी, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालू मान लो, तो आपको मालूम है ये ब्लॉक को डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। इस केस में नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है, एम जी आ रही है। एम की वैल्यू कितना है नहीं मालूम, तो लिख लेते हैं यहाँ एम, मैंने मान लिया मान लो 2 kg है। एम की वैल्यू क्या है, यानी इस ब्लॉक की जो मास है वो मैंने मान लिया कि 2 kg है। ब्लॉक का मास कितना है यहाँ, 2 kg है। अगर 2 kg है तो एन की वैल्यू यहाँ से कितना मिल रहा है, 2 × g की वैल्यू 10, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में, यानी इसको या तो चाहो तो एन डैश ले लो, तो 20 न्यूटन। तो एफ के क्या बताया मैंने, एफ के बताया म्यू के इंटू एन डैश हो जाएगा इस केस में, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई करना है। म्यू के कितना है, म्यू के 0.5, तो 0.5 इंटू एन डैश कितना है 20। तो आप देख रहे हो कि यहाँ एफ के की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 न्यूटन आ रहा है। ये आंसर है, कितना आ रहा है, कौन हम बोली न्यू के हर सरफेसेस के लिए वाइज 0.5। ये कहाँ का, मैं तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है। अब एक और नोट लिख लेते हैं, म्यू के की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर क्या हो सकती है, इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। आगे बात सुन, में म्यू के की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, याद रहेगा। तो म्यू के की वैल्यू आप ये नहीं कह सकते कि सर 0.5 ए, नहीं, कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अगर स्मूथ सरफेस हुआ तो म्यू के की वैल्यू 0, और स्मूथ सरफेस म्यू के क्या है, 0, याद रहेगा। और स्मूथ सरफेस म्यू के की वैल्यू क्या है, 0 है।
क्लियर है अब? और मैग्नीट्यूड जैसे इस केस में अपने को क्या मिला, 10 न्यूटन मिल गया। एंड एच निकाल लिया हमने, इस केस में एंड एच क्या मिला, 20 न्यूटन मिला। और म्यू के की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 0.5 मानी थी। मेरे ख्याल से 0.1 में आ गया होगा, है ना। अब अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ को किधर लग रहा होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ ए डैश विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए डैश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो जीरो ही है। माइनस ये कितना है, 5। तो वी ए डैश ए कितना आ गया, यानी आ गया ये आई कैप है, यानी -5 आई कैप मीटर पर सेकंड। क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए के। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, इसको रोक देंगे, यानी ये पॉइंट रुक गया ए। अब ये देखो ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, ए डैश। ये वाला पॉइंट नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है कि इधर की तरफ जा रहा है, यानी बी ए डैश ए वेक्टर इधर है, यही मतलब हुआ। इसका मतलब इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसको फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इसके रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और मैग्नीट्यूड एफ के रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ जो नॉर्मल है, यहाँ जो नॉर्मल है वो कितना है, एन डैश है, तो इसको भी तो नीचे एन डैश लगेगा। इसके बीच में भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ भी एफ के होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अगर एक सरफेस को आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो दूसरे सरफेस को किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब इसको आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ये बात समझ में आई। इसमें भाई किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ नो सर। तो ये अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, दूसरा एग्जाम्पल मान लो कि जैसे ये कोई ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है और ये ग्राउंड है। मान लो मैंने इस केस में मान लो ग्राउंड को मैंने मान लिया कि स्मूथ है, इस केस में मैंने क्या मान लिया कि ग्राउंड जो है वो स्मूथ है। ये ब्लॉक ए मान लेते हैं, ये ब्लॉक बी मान लेते हैं। इसको मान लो मैंने वेलोसिटी दिया 4 मीटर पर सेकंड, यानी हो गया वी ए। इसको वेलोसिटी मान लो हमने दिया 2 मीटर पर सेकंड है, ये मैंने मान लिया कि वी बी है। और इन दोनों के बीच में ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, ये मान लेते हैं रफ सरफेस है। ये क्या है, रफ सरफेस है। ओके यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें डायरेक्शन ही बतानी है, अभी मैग्नीट्यूड तो हम समझ गए, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो क्या फाइंड करना, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो एफबीडी बनाओ इसका, ये कहीं से आवाज आ रही, बंद करो ना प्लीज। देवेश आपका माइक ऑफ करिए। एफबीडी बनाते हैं, ये ब्लॉक है यहाँ और ये दूसरा ब्लॉक। ये ए और ये बी, आप यहां देखो इसकी वेलोसिटी किधर है, 2 मीटर पर सेकंड इधर है,
सॉरी 4 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी किधर है 2 मीटर पर सेकंड है, इधर है ये VB है, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी आगे की तरफ है। अब जब दोनों की वेलोसिटी आगे की तरफ है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सरफेसेस है वो तो रफ सरफेस है, इसका मतलब फ्रिक्शन तो है। हम क्या करेंगे यहाँ, ये पहला केस लेंगे VAB, क्या लिखेंगे VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। VA वेक्टर कितना है 4i कैप माइनस क्या लिखेंगे 2i कैप, कितना हो गया यानी 2i कैप मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी रेस्ट पर आ गया तो बी रेस्ट पर आ गया तो बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी किधर है, किधर है राइट साइड में, और ये रेस्ट पर आ गया तो ये क्या हो गया बी ए बी आ गया, है ना। तो आप देख रहे हो कि इसका मतलब रेस्ट पर आ गया तो इसकी मोशन को क्या करेगा, फ्रिक्शन ए के मोशन को अपोज करेगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट में होगी, यानी इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा है, एंटी फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, फिर इसको किधर लग रहा है, आगे लग रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अगर एक पे पता चल गया तो दूसरे पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, और नहीं तो आपको इस वाले मेथड से चलो वापस से, यहाँ तो पता चलेगा कि इसको पीछे की तरफ लग रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। वी बी कितना है यहाँ 2i कैप माइनस 4i कैप, तो माइनस 2i कैप मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास में है ना। तो आप यहां देखो क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी ए रुक गया, ए को हमने रोक दिया, ये रेस्ट पर आ गया। अब बी को देखो, आप बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में किधर है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी इधर है, इसका मतलब इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा और लग ही रहा था देखो यहाँ, और इसको इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है भाई सबको ये वाला पॉइंट, इसमें डाउट है किसी को? तो थ्योरी बस इसमें इतना ही था, अब क्वेश्चन करते हैं। कैनेटिक फ्रिक्शन के लिए इतना ही थ्योरी, हाँ बोलिए, लिखना है, हाँ लिखना है सर, ऊपर लिखिए, कहाँ से ऊपर और ऊपर, नहीं सर हो गया सर, नहीं अच्छा लिख लो। अच्छा अब आप ये एग्जांपल करो, बुकलेट है आप लोगों के पास में, सबके पास में? हाँ सर, बुकलेट है तो ये वाले क्वेश्चन करो आप। एग्जाम्पल 1 2 3 तीनों करो है।
हो गया सर, कर रहे वेदांत टोंग, साउंड में आ रहा है ना आपको? वेदांत टोंग नहीं है, क्लास में हो क्या बेटे? वेदांत सतीश, यस सर, साउंड में आ रहा है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा? नहीं सर। सोहम, सोहम बेटा क्लास में हो? हो गया, चलो अच्छा है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, बता दूंगा कैसे करने। सर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बताना है ना? चलो देखो कैसे करना। एग्जांपल वन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना? तो यहाँ देखो, ये ग्राउंड है, और ये 1 kg है। इधर हमने जो फोर्स लगाया है 1 newton है। क्वेश्चन में इधर इसको वेलोसिटी दिया है, वी इक्वल टू 5 meter per second है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ओके, ऑन द ब्लॉक एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक। मैंने आपको क्या बताया? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब इसके रिलेटिव वेलोसिटी किधर है? ब्लॉक की आगे की तरफ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर इसका एफबीडी बनाते हो तो। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या है? v इक्वल टू 5 meter per second है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी आगे है। इसका मतलब इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा ना। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने पीछे फोर्स कितना लगाया है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया? फ्रिक्शन फोर्स का तो पढ़ाया ही नहीं मैंने, तो रिलेटिव मोशन का कहा है। रिलेटिव मोशन चेक करना है, क्योंकि सर्फेसेस क्या कर रहे हैं? यहाँ स्लाइड कर रहे हैं, तो सर्फेसेस स्लाइड कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव मोशन देखना है। तो मैंने इस सर्फेस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने इस पॉइंट की वेलोसिटी देखी, जो कि आगे की तरफ है, कितना है? 5 meter per second। तो इसकी मोशन को क्या करेगा? ये अपोज करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर है? पीछे। अगर इसको पीछे लग रहा है तो फिर इसको किधर लग रहा है? सरफेस को, ग्राउंड के सरफेस को आगे लग रहा है। वैल्यू क्या होगी? एफ के ही होगी। अभी क्लियर है? तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि फोर्स आपने कितना लगाया है, नहीं, आपको तो रिलेटिव मोशन देखना है कि रिलेटिव मोशन किधर है। उस रिलेटिव मोशन को काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। क्लियर है? यस सर। कॉन्सेप्ट ये रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल फोर, हमारे पास में ये ब्लॉक है, ये 10 केजी का ब्लॉक है, जी की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यह म्यू के अपने को दिया हुआ है, यानी दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो दिया है 0.5 है, इसको वेलोसिटी कितना दे रहा है, इसको वेलोसिटी दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक शोन इन द फिगर बिफोर इट स्टॉप्स। तो रुकेगा क्यों, जैसे वो इरेजर वाला एग्जांपल लिया था मैंने, ये वैसा ही है, ब्लॉक को आपने वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, आप देखो कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपने को दिया है, यानी रफ सरफेस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रिक्शन फोर्स की, पहले वो निकाल लेते हैं, तो हमें मालूम है एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इनटू एन होता है, इसका एपीडी बनाओ, इसको नॉर्मल किधर लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ नॉर्मल होगा, इसको एन डैश मान लेते हैं, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ इसको लग रहा है 10 इंटू जी, आप देख रहे हैं इस ब्लॉक का वर्टिकल में मूवमेंट है क्या, नहीं है, इसका मतलब n डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 10 जी, यानी 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 न्यूटन, यानी f के यहाँ से कितना मिलेगा 0.5 इंटू 100 कितना हो गया 50 न्यूटन आ गया, 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है इसको, यानी जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया इसकी वेलोसिटी इधर क्या थी 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड है, इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा है पीछे की तरफ, कितना यानी एक फोर्स आ गया हमारे पास में 50 न्यूटन, तो सीधी सी बात है इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा ना, यानी तभी तो इसकी मोशन को क्या कर रहा है अपोज करेगा, तो ये एफ इक्वल टू एम ए, ये कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा, एफ कितना लग रहा है इसको 50, मास कितना है इसका 10 केजी इनटू ए, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन क्या है एक्चुअल में, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटी के क्या लग रहा है अपोजिट लग रहा है, ये बात समझ में आई सबको, तो कुल मिला के एक फोर्स हमें मिल गया है, हमें क्या मिल गया है एक फोर्स मिल गया है ना, फोर्स मिल गया, तो फिर एफ इक्वल टू एम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी तक हमारे पास हो गए 5 फोर्सेस हो गए, रियल जो फोर्सेस थे वो 5 हो गए, तो इसका मतलब रिटार्डेशन पीछे लग रहा तो क्या होगा, आप इसको रिटार्डेशन पीछे की तरफ मिल गया अपने को, ए इक्वल टू कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके इधर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी u स्पीड हो गई, आप देखो खुद जब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगी रहा है तो फाइनली ये जाके क्या करता है रुक जाएगा, अब ये नहीं कहोगे सर, आप ये नहीं कह सकते हो कि सर क्या ये एक्सेलरेशन को घसीट के लाएगा, ऐसा होता है क्या, देखा है क्या आपने इरेजर को, आपने पुश किया तो इरेजर क्या वापस लौट के आता है, नहीं आता है ना, तो इस केस में क्या होगा फाइनली जाके रुक जाएगा, तो उसने पूछा कि डिस्टेंस क्या होगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, इक्वेशन क्या हो जाएगी v square equal to u square plus 2as, final velocity 0, initial कितना है 10 का whole square plus 2 into a, a कितना है minus 5 into d, कितना हो गया 100 equal to 10 into d, यानी d equal to आ गया 10 meter, 10 meter, ये आंसर है, क्या आ गया 10 मीटर आ गया, ठीक है ना।
तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। यस सर। बाकी लोगों को भी समझ में आ गया भाई? यस सर। तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या हो रहा देखो, अब इसको समझते हैं। तो ये एंगल हो गया हमारे पास में 37 डिग्री। क्या कह रहा क्वेश्चन में, ये इंक्लाइन प्लेन है, जो कि फिक्स है। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन बिफोर इट स्टॉप्स। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 10 मीटर पर सेकंड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज 0.5। यानी इसका मतलब अपने को म्यू जो दिया हो, दरअसल वो म्यू के है, ये 0.5 है। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इसकी जी की वैल्यू मैं यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ और एम मान लेते हैं जो भी रहा होगा। तो यहाँ से मान लो ये स्टार्ट होता है, इसको हमने वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड दिया है। तो यह क्या करेगा, यहाँ कहीं जाके रुक जाएगा। क्यों, यह आप भी जानते हो, क्योंकि जब ये जाने लगेगा यहाँ अपने को फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है इसने, क्या दिया हुआ है अपने को, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। है ना, तो इसका एबीडी बनाओ और सबसे पहले देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो मुझे बताएंगे आप कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो वेट लग रहा है, और क्या लग रहा है, अगर इसका मास एम है तो normal. और क्या लग रहा है, नॉर्मल किधर लगेगा इसको, प्लेन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल लग रहा है। और क्या लगेगा इसको, और फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, इंक्लाइन प्लेन जो है वो रेस्ट पर है। इंक्लाइन प्लेन क्या है, यहाँ रेस्ट पर है। अगर रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितना दिया अपने को, 10 मीटर पर सेकंड दिया, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर, क्योंकि इसकी रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ये बात समझ में आई सबको, तो एफ के किधर लग रहा, उधर। एफ के की वैल्यू क्या लिखना है, म्यू के इंटू एन लिखना है। क्या लिखना है, म्यू के इंटू एन, इसको एन डैश मान लेते हैं। तो क्या लिखना है अपने को, म्यू के एन डैश लिखना है। भाई यहाँ तक सुन मारा सबको, अब आप यहाँ देखो, ये ब्लॉक अगर जाएगा तो हमेशा इसके अलोंग ही जा रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यानी परपेंडिकुलर का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या इस ब्लॉक का मूवमेंट है, क्या नहीं है, जो भी है इस प्लेन के अलोंग है। ये लॉजिक सुन मारा सबको, yes, sir. अगर अब ये लॉजिक साउंड मारा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल के अलोंग सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो हमें तो ये मालूम पहले से है कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर हमेशा कैंडी फ्रिक्शन होता है, ये पहले बात कर चुका हूं मैं। वो तो परपेंडिकुलर रहेगा, बचा कौन, एम जी को हमें मालूम है ये एंगल कितना निकल के आता है। ये एंगल अगर मैं इसको कहता हूँ यह थीटा है, ये थीटा निकल के आता है, मालूम है सबको, कि बताऊं वापस से, यहां समझ लो,
इसको डाउनवर्ड ऐसे लगेगा एम जी, एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये नॉर्मल है, और ये वर्टिकल है, आप ये देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना हो 90 माइनस थीटा हो, ये एंगल कितना हो 90 माइनस थीटा हो, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो एंगल कितना हो गया थीटा, फिर एंगल कितना हुआ थीटा, अभी क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ ये एंगल कितना होगा थीटा होगा, तो अगर वो थीटा है तो एंगल भी कितना हुआ थीटा हुआ, एम जी का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी का कंपोनेंट क्या होगा एम जी साइन थीटा, अभी क्लियर है सबको? अब आप देखो नॉर्मल व्हाट इज डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, नॉर्मल के डायरेक्शन में, इसका मतलब एन डैश इक्वल टू क्या मिलना चाहिए एम जी कॉस थीटा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्लियर है? अब हमारे पास में देखो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन दो फोर्स आ गए, कौन कौन से आ गए, एक एम जी साइन थीटा आ गया और एक एफ के आ गया, इसका मतलब इसका रिटार्डेशन इधर की तरफ ए होगा क्योंकि वेलोसिटी इधर की तरफ है इसकी, अपवर्ड डायरेक्शन में बी है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है एफ के प्लस एम जी साइन थीटा आ रहा है, क्या लिखोगे एम ए इक्वल टू एफ के प्लस एम जी साइन थीटा लिखोगे, एफ के क्या है एफ के को लिखोगे, एफ के को क्या बोला मैंने एफ के इक्वल टू क्या हो गया इसमें रखो तो ये आ गया म्यू के एम जी कॉस थीटा, ये क्या हो गया हमारे पास में एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा, इसका मतलब म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया एम ए, एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो क्या रह गया म्यू के जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, भाई ये बात समझ में आई, इसका वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है, तो अगर ऐसा होता है तो स्पीड बढ़ती है कि घटती है, ये हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर अपोजिट तो स्पीड घटती है कि बढ़ती है, घटती है, तो फाइनल जाके यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा तो हमें क्या चाहिए हमें ये डी डिस्टेंस ही चाहिए, तो हमें सब कुछ मिल गया, अभी तो हमें ए मिल गया तो बाकी चीज भी मिल जाएगी, अब देखो एक एक करके चलते हैं, म्यू के कितना है 0.5 है, रखो यहाँ कितना आ गया 0.5, जी कितना है 10 है, कॉस 37 प्लस 10 साइन 37, ये कितना हो गया 5 इंटू 3 बाई 5 प्लस सॉरी ये 4 बाई 5 हो गया प्लस 10 इंटू 3 बाई 5 कितना हो गया भाई 4 प्लस 6 कितना आ गया 10, यानी हमारे पास आ गया a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सॉल्व किया मैंने तो कितना आ गया रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, वेलोसिटी इनिशियल कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया है, तो कुछ नहीं करना है, ये एंगल कितना है 37, यहां से ब्लॉक गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, यहां जाके क्या कर जा रहा है रुक जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है जीरो, ये इनिशियल यू था, रिटार्डेशन कितना आया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, कौन से इक्वेशन लगा देंगे हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू s, s मतलब d हो गया है क्योंकि s को क्या माना मैंने यहाँ d मान लिया था, 100 इक्वल टू 20 इंटू d, d इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर, 5 मीटर आ गया, अच्छा इसी में पूछता कि टाइम कितना लगेगा वो भी बता सकता हूँ कैसे, v इक्वल टू यू प्लस 80 फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल 10 माइनस 10 इंटू टी, टी इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड बाद ये ब्लॉक क्या करेगा रुक जाएगा, अभी इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया होगा क्या कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, हाँ
भाई क्लियर है सबको? हाँ सर, किसी को तो डाउट नहीं है ना अब तक तो? आप मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट हो गए होंगे आप लोग, है ना, कि एफ इक्वल टू एम ए को कैसे लगाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना भाई किसी को भी, है ना? चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहां देखो, अब इसी क्वेश्चन में इसने मॉडिफाई किया है, क्या मॉडिफाई किया कि ब्लॉक यहां पहुंच गया था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ब्लॉक कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन इन द अबव एग्जांपल बाय द ब्लॉक टू रीच द इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना मिला अपने को, 5 मिला। ऊपर जाने का टाइम कितना मिला? तो कह रहा इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये हमारे पास में अगर हम कहते हैं कि ये ए पॉइंट है, तो ये क्या है यहाँ बी पॉइंट है, तो ए से बी पहुंचने का टाइम कितना आया? 1 सेकंड। इनिशियल पोजीशन पहुंचने का मतलब कि वापस वहां रुके, फिर से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है कि, तो ए, अब बी टू ए आएगा तो पूछ रहा है कि बी टू ए आएगा तो कितना टाइम लगेगा, मतलब ए टू बी वन आ गया, बी टू ए, तो ए टू बी प्लस बी टू ए यानी टोटल टाइम कितना लगा ये पूछ रहा है वो, तो उसने नहीं दिया उसका आंसर, मैं कर देता हूँ इसको। एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है? अभी हमने क्या किया था इसमें, हमने इसमें किया था ए टू बी के लिए बात किया था, हमने जो भी किया ए टू बी के लिए किया, अब बात करते हैं बी टू सी के लिए, तो टाइम निकालने को कह रहा है। अब क्या होगा देखो, ये एंगल थीटा इक्वल टू 37 है, ये ब्लॉक की यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, अब 0 हो गई ना, ये हमारे पास में बी है, ये हमारे पास में है। अब ये इधर जाना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि इधर की तरफ इसको क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा। अब ये अगर इधर स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, इसके मोशन को अपोज करेगा तो पीछे आएगा ना, ये बात सुन में आई सबको? इस ब्लॉक का एबीडी बनाओ, क्योंकि डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, एम जी, एम जी का एक कंपोनेंट हमें समझ में आ गया, ये क्या है एम जी साइन थीटा, और इधर ये क्या है एम जी कॉस थीटा, तो इसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। क्या लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। है ना, नॉर्मल कैसे लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, एंडेश मान लेते हैं, इस केस में नॉर्मल तो वही आ गया वापस से एम जी कॉस थीटा, लेकिन एफ के क्या आ गया यहाँ, एफ के आ गया म्यू के इनटू एंडेश, है ना, तो एंड म्यू के कितना है, म्यू के अभी रहने देते हैं, चाहो तो निकाल लो, 0.5 है, एंडेश कितना है एम जी कॉस थीटा है। अब यहाँ देखो म्यू एफ के पीछे अगर ये नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इधर की तरफ जाना चाह रहा है, इसका मतलब एम जी साइन थीटा एफ के से ज्यादा होगा तभी ये पॉसिबल है, ये बात समझना है पहले, तो इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लेते हैं ए होगा, कैसे लिखेंगे एम ए, एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे, तो क्या लिखोगे आप यहाँ एम जी साइन थीटा प्लस, प्लस नहीं क्या आएगा यहाँ माइनस एफ के आएगा, एफ इक्वल टू एम ए, तो क्या क्या एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के आएगा, ये बात समझ में आई, कितना हो गया यहाँ एम जी साइन थीटा माइनस एफ के कितना है, एफ के 0.5 एम जी कॉस थीटा,
एम की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए मिल गया अपने को कितना, जी साइन थीटा माइनस 0.5 जी कॉस थीटा, जी की वैल्यू 10, साइन 37 माइनस 0.5 इंटू 10 इंटू कॉस 37, ए इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू 3/5 माइनस, ये कितना हो गया 5 इंटू कितना हो जाएगा 4/5, तो आप देख रहे हो कि कितना आ गया, ये आ गया 6-4 यानी 2 m/s². इसका मतलब है ये क्वांटिटी ज्यादा होगी तभी तो प्लस में आ रहा है, इसीलिए मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन फिर से क्या आ गया कॉन्स्टेंट आ गया। इसलिए होता है ना कई बार अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग किसी चीज को नीचे से ऊपर भेजते हैं वापस लुढ़क के नीचे आती कि नहीं आती है, देखा है कभी प्रैक्टिकली? हाँ सर। हाँ ये वैसा ही हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। चले आगे, अब यहाँ देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है बी से ए की, डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, अरे बी से 5 मीटर कितना है 5 मीटर, 5 मीटर ये हो गया 37 डिग्री, और यहां से देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, ये बी पॉइंट है, यहाँ पहुंचने का टाइम पूछ रहा है वो, इसका एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा कितना आया 2 m/s², डिस्टेंस पता है कितना है d इक्वल टू 5 मीटर, तो b टू a के लिए बात कर रहे हैं हम, किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ, सॉरी b टू a के लिए था है ना, किसके लिए बात कर रहे हैं b टू a के लिए बात कर रहे हैं, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, एस मतलब 5 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया √5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इन जर्नी टी ए बी प्लस टी बी सी, ये टोटल टाइम है, टी ए बी कितना है 1 ही आया था प्लस √5, ये आंसर है। भाई बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप एग्जांपल 7 आप लोग करेंगे, जरा ऊपर लीजिए ना वो कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर लीजिए, और ये पूरा ना कहाँ से बता दो आप मुझे, ये एग्जांपल लास्ट वाला, अच्छा example... लास्ट, ठीक है हो गया सर। चलो करो एग्जांपल 7 करो आप लोग,
क्या सर? क्या है आंसर? एक मिनट, ये दरअसल रूट फाइव है ना, वो ऊपर का आया है, ये टी इक्वल टू रूट फाइव सेकंड आना चाहिए एग्जांपल सिक्स में, वो गलती से इनके इसमें ये टाइप का एरर है जो नीचे आ गया है ना। हो गया सर, समझ में आया सबको? 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है, ये क्लियर है सबको? यस सर। इसकी डायरेक्शन किधर है फ्रिक्शन की? राइट साइड में। राइट साइड में, तो चलो ये डिस्टेंस बताओ मुझे, कितनी डिस्टेंस चलेगा है जब पानी ली रुकेगा है? जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब तक ये कितना चल चुका है? तो मालूम है आपका ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाला पार्ट हो चुका है, बस स्टैटिक बचा है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में हो सकता है ये भी हो जाए। फिर टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें क्वेश्चन करने हैं अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। जिससे नहीं उनको मैं बताता हूँ देव कैसे करेंगे। फिर से समझ लीजिए क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग। ये हमारे पास में ब्लॉक है, ये 10 केजी ब्लॉक है और इसको वेलोसिटी हमने u 10 मीटर पर सेकंड दिया है और यहाँ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.1 है और यहाँ एक और फोर्स इसने लगाया है f डैश मान लेते हैं और वो 100 न्यूटन है। लेकिन ब्लॉक किधर जाएगा हमेशा? ब्लॉक हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन मूव करता है, पहले ही बात कर चुके हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा है। तो अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इसको फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एन डैश यहाँ है ना, और डाउनवर्ड क्या है यहाँ? 10 × g है। इसको इधर की तरफ एफ डैश इक्वल टू 100 न्यूटन भी है ना। एफ के की वैल्यू क्या होगी यहाँ? म्यू के इंटू एन डैश होगा इस केस में। एन डैश की वैल्यू क्या है? तो म्यू के इंटू एन डैश की वैल्यू है 10 g। क्यों? क्योंकि एन डैश इक्वल टू क्या है यहाँ? 10 g है, क्योंकि ब्लॉक ऊपर मूव नहीं कर रहा है। ये आ गया हमारे पास में। तो आप देख रहे हो कि एफ डैश भी पीछे, इसका मतलब इसका रिटार्डेशन पीछे की तरफ है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? F डैश प्लस एफ के इक्वल टू क्या लिखना है? एम ए, और ये इक्वल टू नेट फोर्स है। एफ डैश कितना है? 100। म्यू के कितना है इसका? 0.1 × 10 × 10, यानी आ गया 110 न्यूटन। तो आप देख रहे हो कि एम की वैल्यू कितना है? लेकिन 10 kg, तो 10 × a इक्वल टू 110, यानी a इक्वल टू कितना आ गया? 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो रिटार्डेशन आ गया। कहाँ जाके रुकेगा? तो मान लेते हैं कि फाइनली यहाँ कहीं जाके रुक जाता है। तो ये जो डिस्टेंस चला ये डी ए मान लो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी? जीरो हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई।
तो फाइनल वेलोसिटी जीरो यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल टेन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू इलेवन इंटू डी, कितना हो गया हंड्रेड डिवाइड बाई टू इंटू इलेवन यानी हो गया फिफ्टी बाई इलेवन मीटर, यही आंसर है। इस तरह से करेंगे हम लोग, तो आपका ये वाला पार्ट हो गया है। ठीक है ना, थोड़ा मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बता देता हूं। तो नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, पहला था काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, यानी एक तो ध्यान रखना है कि जब भी सरफेस की बात, जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो जिन सरफेसेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे वो सरफेसेस का रिलेटिव मोशन क्या होगा, जीरो होगा। यानी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, हरी भाषण में, यानी पहला पॉइंट तो ये होगा सरफेसेस आर सरफेसेस आर at rest with respect to each other। अभी आपने देखा ऊपर surfaces एक दूसरे के respect में क्या कर रहे थे, slide कर रहे थे, इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, surfaces are at rest with respect to each other, ठीक है। और एक कैसे आता है, when surfaces are having tendency, when surfaces are having tendency to slide over to each other, then their relative rest, then their relative rest, then their relative rest is opposed by a force, and that force is called static friction force। ओके, मेरे क्या से बात समझ में आई, ऐसे ऐसे समझो कि मान लो, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि न्यूटन के लॉस भी दिमाग में होने चाहिए, है ना। अब मान लो घर में, मान लो हमारे घर में एक ऐसा बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें ये मान के चलो कि ट्रेजर है, मतलब है ना, उसके अंदर क्या है, माल रखा हुआ है ना, सोने का हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। अब अपने को उसको एक रूम से दूसरे रूम में मान लो शिफ्ट करना है, लेकिन बहुत हेवी है, तो मान लो अगर आप पहले पुश करने गए उसको तो पता चला वो हिला ही नहीं,
अब ध्यान से समझना, देखो आपने पुश किया लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो क्या आपने फोर्स नहीं लगाया वहां? फोर्स लगाया लेकिन आपका फोर्स क्या हो गया वहां? कहीं ना कहीं से बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे हुआ? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी पर फोर्स जीरो है और वो बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे पड़ी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो बॉक्स का जो बॉटम सरफेस है और जो ग्राउंड का सरफेस है जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वहां एक फोर्स डेवलप हो रहा है। तो जो फोर्स आपने लगाया उसके अपोजिट वो फोर्स डेवलप हुआ है। तो आप देख रहे हो कि दोनों सर्फेसेस स्लाइड भी नहीं कर रहे लेकिन फोर्स फिर भी वहां आ गया है, तभी तो आपका फोर्स कहीं ना कहीं से बैलेंस हुआ है। ये लॉजिक समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। ठीक है ना, तो न्यूटन के लॉज को ध्यान में रखते हुए देखना है, क्योंकि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना हो, अगर बैलेंस फोर्स हो रहे हैं इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे पड़ी रहेगी। वहां बैलेंस क्यों बन रहा है? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया उतना ही फोर्स ग्राउंड से उसको मिल गया अपोजिट डायरेक्शन में, और सरफेसेस क्या है वहां रेस्ट पर है, टेंडेंसी है स्लाइड करने की, स्लाइड नहीं कर रहे हैं। सरफेसेस के बीच में क्या है, टेंडेंसी है, लेकिन सरफेसेस क्या है, रेस्ट पर है, एक है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, यानी रिलेटिव रेस्ट को क्या कर रहा है, एक तरह से अपोज कर रहा है। तो जो फ्रिक्शन है उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फोर्स है ये एडजस्टेबल है, इट इज एडजस्टेबल फोर्स। अब एडजस्टेबल कैसे, वापस उसी एग्जाम्पल पर आते हैं। आप गए, पता चला कि हिलाई नहीं बॉक्स, फिर मान लो आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर, आप दोनों ने मिलकर उस पर फोर्स लगाया, फिर से नहीं हिला। मान लो आपकी मदर को बुलाया आपने, फिर से नहीं हिला। मान लो आपने अपने फादर को बुलाया, अब मान लो चारों से बॉक्स हिल गया, मूव कर गया। अब ध्यान से समझना देखो, मान लो आपकी कैपेसिटी है 20 न्यूटन की, आप जो फोर्स लगा रहे हो, आपके ब्रदर या सिस्टर की भी मान लो 20 न्यूटन की, आपकी मदर की मान लो है 50 न्यूटन की, और आपके फादर की है मान लो 100 न्यूटन की। ओके, अब समझना, 20-20 कितना हुआ 40, 50 कितना हुआ 90, और 100 कितना हुआ 190, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने 20 न्यूटन लगाया तो ग्राउंड से फोर्स कितना मिल गया उसको, 20 न्यूटन एडजस्ट हो गया। फिर आपने लगाया 40 न्यूटन, ग्राउंड से फिर से मिल कितना मिल गया 40 न्यूटन, फिर से एडजस्ट हो गया, तभी तो रुका हुआ है। फिर लगाया हमने 90 न्यूटन, फिर से मूव नहीं किया, यानी फिर से 90 न्यूटन ही डेवलप हो गया, यानी ये एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। लेकिन कब तक एडजस्ट करता है, जब तक इसके अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू है, बताएंगे भी क्या है, उस मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट करता है। और जैसे उस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये क्या कर जाएगा, बॉक्स मूव कर जाएगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, आगे चलते हैं। ये तो बोल दिया मैंने कि एडजस्टेबल है इसका मत, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू एस एन और मिनिमम वैल्यू होगी जीरो। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो और मैक्सिमम के बीच में लाई कर रही। तो मान लो उसके मैक्सिमम वैल्यू थी 190, मैक्सिमम वैल्यू थी मान लो, या 190 से कम थी मान लो, तभी तो 190 पे स्लाइड किया हो, है ना। तो 190 से कम था लेकिन 90 से तो ज्यादा था, है कि नहीं, 90 से तो ज्यादा था। तो यानी जब तक आप इस मैक्सिमम वैल्यू तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो मूव नहीं करने देता है, और जब तक इस वैल्यू से कम रहेगा तब तक वो रेस्ट पे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, यानी ये एफ एस एन क्या है, इसको एफ मैक्स भी बोलते हैं, इसको एफ लिमिटिंग भी बोलते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं,
एफ लिमिटिंग लिखेंगे या एफ मैक्स लिखेंगे, और वो कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा म्यू एस एन, जहां म्यू एस क्या है, न्यू एस ए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और यहां भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा हमेशा, अच्छा कुछ पॉइंट लिखवा लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, दरअसल देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल पे, मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सरफेसेस कैसे क्या है, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि नॉर्मल की वैल्यू क्या है ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ना मैक्सिमम और जीरो के बीच में कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन यहां लिखवा देता हूं नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके, और ये मान लो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, अच्छा ये भी इस और इस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे, मैक्सिमम मतलब एरिया कॉन्टेक्ट पर तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं करेगा पूरा ही, उसके तो आप ये भी लिख सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये ध्यान रखना है, इसमें क्या लिखा मैंने इसका पहले ये समझना जरूरी है, ये इसके लिए लिखा था, अब यहां जो लिख रहा हूं मैं जर्नल के लिए लिख रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स does not, static friction force does not depend upon the nature of material of the surfaces and area of contact between the surfaces. Okay. And area of contact between the surfaces. Or tisra point or direction
of static friction force is always perpendicular. Direction of static friction force is always perpendicular to the normal reaction force. Direction of static friction force is always perpendicular to the normal reaction force. अच्छा एक बात और है, static friction जो है normal पे भी depend नहीं कर रहा है, ये तो लिखा देना मैंने यहाँ, मैंने केवल ये लिखवाया maximum value of static friction force depends upon the nature of material of the surfaces and which are in contact. Material of the surfaces which are in contact and also depends upon normal reaction force. ये maximum value की बात कर रहा हूँ मैं. Static friction force जो कि normal पे भी depend नहीं करता है ना, ये भी लिख लेते हैं. Static friction force does not. अभी आपको समझा भी दूंगा मैं. Does not depend upon the normal reaction force. The static friction force उस बात पे भी depend नहीं करता है. अब देखो समझाते हैं कैसे. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो ये ब्लॉक है, अच्छा एक पॉइंट और यहां ऐड कर लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट ये है कि म्यू एस जो है वो म्यू के से ज्यादा होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करने जाते हैं तो कई बार आप देखोगे कि म्यू एस म्यू के इक्वल ले लेते हैं हम लोग. क्या लेते हैं? म्यू के म्यू एस को सेम ले लेते हैं, है ना. लेकिन मेन कॉन्सेप्ट होता है म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के होता है, है ना. लेकिन क्वेश्चन करने के लिए तो हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस भी मानते हैं, उसमें क्या हुआ? ये हमारे पास में रब सर्वे. मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर आ रही है. तो ये मान लो हमारे पास में, और मैंने मान लिया कि इसका मास मान लेते हैं 10 kg है, है ना. और जी की वैल्यू मैंने ले लिया मान लो 10 m/s² है, और इस सरफेस के लिए म्यू के की वैल्यू है मान लो 0.4 और म्यू एस की वैल्यू है मान लो 0.6. ये म्यू के है और ये म्यू एस है. है ना. तो अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं. अभी अगर मैं आपसे पूछूं अभी इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, आप बता सकते हो क्या? इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? जीरो. जीरो लग रहा है. अरे बात सुन, में अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स आ गया तब तो उस तरफ मूव कर जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप कभी भी नहीं आता है. यानी कोई ना कोई फोर्स वहां होगा, उस फोर्स की वजह से, या मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जहां तक मैं बात करूं, काइनेटिक फ्रिक्शन में तो है कि अगर आपने वेलोसिटी दे दिया उसकी मोशन को अपोज करेगा ही करेगा. लेकिन स्टैटिक के केस में फ्रिक्शन अगर आएगा तो, क्योंकि मैंने कहा ना जीरो भी हो सकता है, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो तभी तभी जीरो होगी जब उस पर कोई फोर्स नहीं होगा.
यानी वहां कोई टेंडेंसी नहीं उसके स्लाइड करने की, तब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, वहां जीरो होगा। तो यहाँ अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूं वो कितना होगा, वो जाएगा म्यू एस एन, ये मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं इसकी, है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। उसका एबीडी बनाओ पहले, तो आप यहां देखो इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, यहां भी नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, इसको एंडेज मान लेते हैं, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा होगा, इसका मास कितना लिया मैंने 10, तो 10 इंटू जी लग रहा होगा, यानी एन डैश की वैल्यू क्या है यहाँ 10 इंटू जी है। तो आप देख रहे हो कि इस केस में एफ मैक्स कितना आ गया, म्यू एस कितना है 0.6 इंटू एन डैश कितना है 10 इंटू 10, यानी कितना आ गया 60 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ अगर होगी तो 0.4, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ म्यू के एन डैश ना, म्यू के कितना है 0.4, एन डैश कितना आ रहा है 10 इंटू 10 कितना आ रहा है 40 न्यूटन, क्या आ रहा है 40 न्यूटन। अब यहाँ देखो एक एक करके बात करता हूँ, कैसे से कुछ केस डिस्कस करता हूँ। तो पहला केस, अगर मान लो मैंने एफ अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ, यानी हमारे पास में ये ब्लॉक है, तो ये हमारे पास में ये ब्लॉक है, हमने यहाँ एफ फोर्स लगाया है। अभी मैंने एफ फोर्स क्या लगाया, लेकिन जीरो लगाया है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ डेवलप होगा वो कितना होगा, जीरो ही तो होगा ना, ये बात समझ में पहले सबको, क्योंकि मैंने एफ जीरो लगाने का मतलब फोर्स ही नहीं लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ जीरो होगी। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, इस पर मत जाओ, ये तो मैंने वैल्यू निकाली केवल, अभी कुछ नहीं आता पता इनके बारे में, है ना, क्योंकि जब तक ये स्लाइड नहीं करेगा तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन की बात नहीं कर सकते हैं, और जब तक ये रेस्ट पर है और फोर्स अगर जीरो लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, फिर जीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। भाई यहां तक क्लियर है पहले तो? यस यस सर। हाँ अब यहां देखो, आप मैंने लगाया एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, तो क्या होगा यहां ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप, क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे आप, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाओगे तब तक स्लाइड नहीं कर सकता हो। तो आपने 10 कितना लगाया 10 न्यूटन, तो मालूम है यहाँ कितना डेवलप कर लिया उसने पीछे 10 न्यूटन, एफ एस इक्वल टू कितना हो गया 10 न्यूटन। तो अभी भी इसका एक्सेलरेशन यहाँ जीरो था, यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो हो गया, बस ये कि पहले फोर्स नहीं लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया था जीरो, अभी 10 न्यूटन लगाया तो 10 न्यूटन डेवलप कर लिया उसने। देखो फिर नेक्स्ट मैंने लगाया एफ इक्वल टू मान लो 20 न्यूटन, तो मालूम फिर से क्या क्या इसने 20 न्यूटन डेवलप कर लिया। फिर से एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो। थर्ड केस, थर्ड हो गया फोर्थ, एफ इक्वल टू मैंने मान लो 40 न्यूटन लगाया। अब आप कहेंगे सर इसको स्लाइड कर जाना चाहिए, नहीं, जब तक आप 60 से ज्यादा अप्लाई नहीं करोगे, आप कहोगे सर 40 तो लगाया थी हमने, नहीं, 60 से ज्यादा अप्लाई नहीं करोगे तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो एफ इक्वल टू 40 लगाया तो क्या हो गया, जब आपने यहाँ 40 न्यूटन लगाया इसने क्या किया 40 न्यूटन डेवलप कर लिया, अभी भी एक्सेलरेशन जीरो। सिक्स्थ, एफ इक्वल टू आपने 50 न्यूटन लगाया, ये अभी भी स्लाइड नहीं करेगा, ये कितना हो गया 50 न्यूटन, कितना डेवलप कर लिया इसने 50 न्यूटन, देखो एडजस्टेबल है ना। फिर मैंने मान लो सिक्स्थ ले लिया, एफ इक्वल टू मैंने 59 न्यूटन लगाया, अभी भी ये स्लाइड नहीं करेगा,
अभी भी इसका एक्सेलरेशन जीरो, अभी भी इसका एक्सेलरेशन जीरो, और यहाँ 59 क्या करेगा, ये डेवलप कर लेगा, ये एफ एस है, ये एफ एस है, और ये भी एफ एस है, आई बासन में, और एफ एस है, कितना डेवलप कर लिया इन्हें 59 न्यूटन। लेकिन जैसे ही आप एफ इक्वल टू 60 न्यूटन अप्लाई करोगे, इसका कॉन्टेक्ट क्या होगा, ग्राउंड से ब्रेक हो जाएगा इमीडिएटली। इमीडिएटली जैसे कॉन्टेक्ट ब्रेक होगा 60 न्यूटन, ये इमीडिएटली इसमें क्या जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लिमिटिंग वैल्यू लगा दी है, तो ये उतने फोर्स पे क्या करता है, कॉन्टेक्ट ब्रेक कर देगा, तो कॉन्टेक्ट विल ब्रेक। तो यहाँ ग्राफ अगर मैं देखूं, देखो मालूम ग्राफ कैसा मिलेगा, उससे भी आपको कुछ आइडिया लगेगा। ये एफ फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे थे, ये जो कि स्टैटिक, मतलब इसको एफ ही ले लो फिर, आप एफ एस मत करो, इसको एफ जो कि फ्रिक्शन फोर्स, मतलब ये दिखा रहा है क्या हो रहा, देखो ये यहाँ तक बढ़ेगा, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 60 न्यूटन, और ये वैल्यू मैंने मान ली ये 40 न्यूटन। तो क्या होगा, जैसे 60 अप्लाई करोगे एफ, इमीडिएटली इसका कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा, और ये यहां से यहां आ जाएगा सीधा। मतलब ऐसा नहीं कह रहा एग्जैक्टली, मतलब इससे वर्टिकल लाइन मिलेगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक शार्प पॉइंट भी नहीं होगा ऐसा, एक एक तरह से ये समझ सकते हो आप इस तरह से। ठीक है ना, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट है, वो क्या करेगा, कांस्टेंट वैल्यू से कांस्टेंट तो चलता जाएगा, क्योंकि अब वो चेंज नहीं करेगा फ्रिक्शन। यानी अब आप एफ की वैल्यू कुछ भी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, वो तो कांस्टेंट है, वो तो म्यू म्यू के एन है हमारे पास, 40 न्यूटन है वो तो। भाई ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो फिर आज इतना ही, और आप कर लो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 भी कर लो आप। सर जरा ऊपर लो दिखना है 7 पॉइंट। यस यस, जो डिस्कस कर रहा हूँ वही ना, 7th वाला, 7th वाला। ओके ओके, हाँ सर हो गया। ओके ठीक है, तो फिर चलो फिर, ओके बाय बाय, और अगर डाउट है तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा मैं, है ना। एनएलएम का ही पार्ट है, एनएलएम से अलग नहीं है, बस यहाँ एक फोर्स और आ गया हमारे पास में, तो जो एनएलएम में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े ना सारे फिर से यूज होंगे यहाँ, तो आपका वो टॉपिक अच्छे से फिर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।